सत श्रीकाल जी, अज मेरे नाल फिर सारे बच्चे अभी घूमन चले हाँ। फरीदकोट की जड़ी है हिस्टोरिकल प्लेसिस अब सारी उन्होंने दिखा गया उन्हें कड़े कड़े बंदे बैठे आ नाम बोल दो। पहला है नूर गुरनवीर, फिर है गुरमन, अगे है पावनप्रीत सिंह, अगे सुमनप्रीत कौर, परी कित्थे आ लोकी पिछे कित्थे 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 ओ पिछे परी बैठी। अगे हैगी आ मनीत कौर, शक्लां जलकोईयां होईयां, असीं बाकी पहुँच गए फिर बाकी गल करदे हां। ठीक है, थैंक यू जी। ये हैगा फरीदकोट का किला मुबारक, ये असीं बैक साइड तो आ रहे हैं, पूरा तुहानूं दिखाउंदे आ जो पूरी सर्कल चक्कर लाने पूरे दी। ये किला मुबारक की बैक साइड आ, फरीदकोट दे विच बहुत वड्डा किला हैगा। इस किले जो ये किला बनता से उस टाइम तो बाबा फरीद इत्थे आए थे, इस करके बाबा फरीद का गुरद्वारा साहब भी इस करके इत्थे बनया हुआ भी इत्थे उस टाइम के राजे ने बाबा फरीद जी तो कम करवाया सी, टोपी चवाई सी, तुहानूं सारा स्टोरी पता ही आ भी जदों बाबा फरीद जी तो कम करवाया गया तो वह टोकरी सिर तो उपर उठ गई सी। ये उही किला आ जिस जो इतने बाबा फरीद आए थे तो उन्होंने कम करवाया गया सी। इस किले के बिल्कुल नाल ही बाबा फरीद साहब का गुरद्वारा साहब है। आप घूम के किले के अगे पहुँचते हैं। दूजी साइड मेरा स्कूल है जिते मैं पढ़ता हुआ, दूसरी साइड दिखाओ भी आया स्कूल असं पढ़े हैं, सारी फैमिली इतने पढ़ी है। किला भी दिखाओ, दूसरी साइड किला भी है। ये उपर बच्चों ने देखने लिए मोर बहुत होंगे है, मोर तोते काफ़ी तरह के पंछी इतने होंगे है, सवेरे शाम होंगे है। किला काफ़ी वड्डा है, पूरे शहर के फैलिया हुआ, पूरे असं उपर दी घूमते पे हैं। ठीक है, एक साइड सजे पासे महावीरा पब्लिक, महावीरा पब्लिक स्कूल हाई स्कूल उस टाइम असं इतने पढ़े हैं पूरी फैमिली। ये बाबा फरीद की जी पार्किंग है जी, इतने गड्डिया लगती हैं। ठीक है, तो बैक साइड से यदि किला है, आप किले के फ्रंट से अगे चलते हैं। ठीक है, इधर स्कूल फ्रंट तो बहुत किले जो उस टाइम तो जो असं पढ़ते थे साढ़े फादर साहब बली स्कूल पढ़े थे, तो उस टाइम बेस्ट स्कूल यही सगा। तो उस तो बाद काफ़ी स्कूल बने, सब तो काफ़ी पुराना स्कूल हैगा। ठीक है, आप किले की फ्रंट से अगे चलते हैं। किले के नाल आप सड़क बनी हुई जो जाते पे हैं, फरीदकोट की शान। तो इन्हों जो मालक है राजे दिन बेटिया दोनों वो हाले भी जिंदा है, तो उन्होंने को प्रॉपर्टी हैगी गवर्नमेंट के अंडर नहीं हैगी, इस करके जाना अलाउड नहीं है, परमिशन लैके फिर जाना पैंदा है। गेट है जी, फ्रंट तो पेंट होया, बाकी सारा पेंट ही होया, बहुत उच्चा बनया होया, बहुत मजबूत कंधा है जी। बाबा जी के बिल्कुल नेड़े है गया किले बारे। हाँ, किले का गेट है, बहुत उच्चा गेट बनया हुआ, बस चौंकी तरह बैठे होंगे आ, और अंदर जाना अलाउड नहीं है किसी को। ट्रस्ट बनया हुआ इन्हों का महावीर लखीवा जी ट्रस्ट है, जेडे इन्हों सामभ संभाल करते इन्हों की। हाँ, किले की पूरी साइड इधर मार्केट हैगी, ईदगाह हैगी, मस्जिद, तो इतने कोर्स भी कराए जाते हैं, उर्दू अरबी भाषा सिखाई जाती है। साड़ी वालों बहुत सोहनी मसीत बनी हुई है। जी अस्तबल का जिते राजा महाराजा के हाथी घोड़े बन्ने जाते थे, अस्तबल आ फरीदकोट चो। ये अंदर हूँ तो रहायशी बिल्डिंग घर बने हुए लोग रेंदे आम, तो पहले टाइम के हाथी घोड़े बन्ने जाते थे। तुम सारे दर्शन करावे फरीदकोट के, बहुत बिल्डिंग इस तरह की है पुरानी। ये 1912 का अस्तबल आ, 1912
ਇਹ ਗੇਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਗੇਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਵਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਈਕਲ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਘਨੀਆ ਚੌਂਕ ਭਾਈ ਘਨੀਆ ਜੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਨੀਆ ਚੌਂਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਕਲੱਬ ਟਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਇਹ ਵਧੀਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਿਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਆ ਇਹ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਐਂਟਰੀ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆ ਜਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਲਗੀਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ
बहुत वधिया बिल्डिंग बनी हुई है। रोड पर ये फरीदकोट जेल रोड हैगा, ये किस टाइम तेरा जाता है इतने जेल हों उन्होंने इतने गेट बने हुए है, ये पूरे महल के चारे पास गेट बने हुए है जितों एंट्री होंगी जेल के। इस हाले भी जेल रोड कहा जाता वो साइड वाली कंधा सारे ढा दी गई पर जो गेट है वो हाले भी बने हुए है, ये गेट ये पूरे महल के चारे पास बने हुए है। गेट उस जेल का ही है, बस चारे पास कंध से गेट जितों एंट्री होंगी सी हूँ कंधा सारे ढा दी गई तो कल गेट रह गए। हाँ जी ये है डॉल्फिन चौंक फरीदकोट का, हम अस जा रहे हैं वापस। ठीक है भाई, आ गए बंदे पूरे सारे। ठीक है, थैंक यू जी, वीडियो देखने वास्ते थैंक यू।